हेलो बच्चों, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह कैप्सूल क्लास। और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसको करने वाले हैं। आप सभी लोग डेली यह क्लास ले रहे हो ना, अगर बोर्ड में 90+ लेकर आना है तो ये डेली क्लास लो। एग्जाम तक आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री के एक एक चीज याद हो जाएगा। जिस तरीके से हम करा रहे हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं आपका इसमें एक एक करके, साथ में 60 क्वेश्चन तो याद करा दे रहे हैं। 60 क्वेश्चन के साथ में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी तैयार करा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डेली नहीं ले रहे हो तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसका, वहां से पुराने वीडियो कर लीजिए और आज से रेगुलर आप हो जाइए, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं सभी को एक बार माँ सरस्वती का नमन करने के लिए बोल रहा हूँ। आप सभी लोग माँ सरस्वती का नमन करिए, कमेंट बॉक्स में भी हर जगह जय माँ सरस्वती लिखिए। चलो, और एक बार अटेंडेंस सभी लोग लगा दीजिएगा जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, है ना, जो डेली डेली क्लास आ रहे हैं। और जो नहीं आ रहे हैं आज से डेली हो जाएं, कल फिर से अटेंडेंस में देखूँ कितने बच्चे रेगुलर हो रहे हैं। मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, लेकिन हाँ कोई प्रेजेंट सर नहीं लिखता है। और प्रेजेंट सर कैसे लिखना है आपको, जो मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन के आंसर के साथ में लिखना है, ऐसे ही नहीं प्रेजेंट सर लिख देना है, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को आ भी रहा होगा। क्या होता है अनओमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, है ना, ये तो आपको पता है, आप लोग पढ़े होंगे। ये पहला कैप्सूल आप सभी लोगों का है, तो आपको पता है अनओमी प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है बताओ। अनओमी प्रतिरोध क्या होता है बताओ, क्या होता है अनओमी प्रतिरोध, बोलो। अनओमी प्रतिरोध क्या होता है, वह प्रतिरोध, या यहाँ पे अनओमी प्रतिरोध नहीं रहता, अनओमी परिपथ होता है ना, अनओमी परिपथ होता है। तो वह परिपथ जो ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन ना करे क्या कहलाता है, अनओमीय परिपथ कहलाता है, अनओमी परिपथ कहलाता है। अच्छा जी, अनओमी परिपथ बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एक होता है ट्रायोड वाल्व, है ना, ट्रायोड वाल्व, है ना, ट्रांजिस्टर, है ना, ठीक है, ट्रायोड, ये सभी क्या होते हैं, अनओमी होते हैं या ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। बात समझ में आई क्या सभी लोग, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे अनओमी परिपथ कहलाता है। आई बात समझ में सभी को। चले अगला क्वेश्चन, चले बताओ, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं, अनओमी परिपथ कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम वाले प्रश्न है जो सीधे एग्जाम में आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। और हाँ, अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, वे बच्चे जो अभी तक तैयारी अच्छे तरीके से शुरू नहीं किए हैं या फिर पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तो भाई आपके लिए एक जबरदस्त बैच आ रहा है इस जुलाई से, जहाँ पर आपकी जबरदस्त तैयारी हो रही है। तैयारी के साथ में आपको ये किताबें भी दी जा रही, वरदान, वाकई में ये बोर्ड परीक्षा के लिए आपके वरदान साबित होगा अगर आप इन सभी चीज़ों को ले लेते हो। फीस मात्र 799 है और 799 आपको टॉपर बनाने तक की पूरी साल की तैयारी यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें मिल रही है, डेली लाइव क्लास मिल रहा है, 5 किताबें आप तक, 5 बुक होम डिलीवरी हो रही है आपके, और यहाँ पे लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल जिसमें किताबें आपको
होम डिलीवरी जाती है, साथ में आपको क्लास में पीडीएफ फॉर्मेट मिलता है, दोनों चीज़ है ना। क्लास नोट्स का पीडीएफ, 160 रिवीजन क्लासेज, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, A to Z जो टॉपर बनाने के लिए आवश्यक है आपको इसमें दिया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ में आपको यहाँ पर एक बैच फ्री दी जा रही है, वह है शिखर बैच, जिसमें आपको अगस्त तक सिलेबस कम्प्लीट करा के दिया जा रहा है। इस शिखर बैच में क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा आपको, और ये शिखर 2.0 बैच जिसका फीस मात्र 799 है, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा चैप्टर 1 से। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, मन करे तो आप रिकॉर्डिंग वाले से पढ़ सकते हो जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिया जा रहा है, मन करे तो लाइव पढ़ सकते हो, मात्र 799, दो बैच, साथ में किताबें आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं। इस समय यह डिस्काउंट पे चल रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 100 बच्चों के लिए सीट था, लेकिन अभी भी डिस्काउंट है तो ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, 100 बच्चे तो कब के हो चुके हैं, ठीक है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप ऐप पे डाउनलोड करके भी जानकारी ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जल्दी करिएगा, कब फीस इसका बढ़ जाए मुझे भी नहीं पता, बस मैं रिक्वेस्ट किया हूँ ऊपर वालों से, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ऊपर वाले का मतलब जो हम लोगों का एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, जो एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं अपेक्स, उससे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि कम से कम फीस में आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो, तभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, बस आपको मेहनत करनी होगी, अगर मेहनत करोगे तो जैसे अन्य बच्चे टॉपर बन रहे हैं वैसे आप भी आराम से इस बस टॉपर बन जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको टॉपर बनने से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत नेटवर्क्स के लिए किरचाप का दोनों नियम लिखिए, किरचाप का दोनों नियम लिखिए, जिसमें प्रथम नियम, देखो किरचाप के तो दो नियम होते हैं, और प्रथम नियम क्या होता है, परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग शून्य होता है, σi = 0, ये तो प्रथम नियम होता है। द्वितीय नियम की बात करें, बंद परिपथ में धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा I हो गया और उसके संगत प्रतिरोध R का गुणनफल जो है इसके बराबर होता है, बताओ गुणनफल का योग जो होता है विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, मतलब विद्युत वाहक बल E के योग के बराबर होता है, ये आपका दूसरा नियम होता है। तो ये दो नियम होता है, प्रथम नियम परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, दूसरा बात है कि किसी भी बंद परिपथ में धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग सभी विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। प्यारे बच्चे एक बात दिमाग में सेव रखना, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इससे ज़्यादा मत लिखना, अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आए तो आप लिख लेना, जैसे मैं फिगर बना के डायग्राम बना के लिखवाता हूँ। फिलहाल मैं आज 2 नंबर वाला क्वेश्चन के चक्कर में इसको इतना शार्ट लिखवाया हूँ, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कब कितना लिखना हो, कब कितना लिखना है, 2 नंबर में 5 नंबर इतना लिखते हैं, एग्जामिनर थोड़ी ना घर से 3 नंबर जोड़ के और 5 नंबर देगा, देगा तो 2 ही नंबर मैक्सिमम, तो उतना लिखो जितना से आपको पूरा नंबर मिले, बात समझ में आ रही है, उतना ही लिखा करो जिससे आपको पूरा नंबर मिला करे, है ना। चलो जी आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्लस की परिभाषा लिखिए तथा विमीय सूत्र भी लिखिए। अब बताओ चुंबकीय प्लस किसे कहते हैं, बताओ चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो हम यहां पे एक फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाने से पहले ये एरिया, ये मैं इस तरह से एरो बना रहा हूं, इस एरो का मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस साइड है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है, है ना। यहां पे एक हम पृष्ठ लेते हैं, ये रहा पृष्ठ, है ना, क्या रहा, ये रहा आपके सामने पृष्ठ, ये, ये, है ना, इस पृष्ठ से जितना होकर यहाँ पे ये चुंबकीय बल रेखा गुजर रही है वही आपकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, है ना। तो क्या लिखोगे इसकी परिभाषा, किसी किसी काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय, है ना, बल
रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, है ना, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बताओ? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, कहते हैं। बात समझ में आई क्या? किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये फोन है, ये मान लो काल्पनिक पृष्ठ है, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा शू 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 इस तरीके से जा रही है, इसको फोन को मैंने ऐसे रख दिया तो ये जा रही है, ये जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस फोन से होके जाएगी, तो यहाँ पे ये जितनी रेखा इस फोन से होके जा रही है उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखा कहेंगे। बात आई समझ में? अच्छा, चुंबकीय बल रेखा जो निकल के जाती है इस फोन से उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे जो है हम लोग इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या? देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी है और इसका क्षेत्रफल ए है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा फार्मूला होता है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछा इस क्वेश्चन में, इसका विमीय सूत्र निकालिए। तो मैं दो चीज़ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर वन, इसका जो है आपको विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तथा साथ में है ना मात्रक, ये दोनों चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। नहीं होता है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, निकाल लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये आपको मैं दो चीज आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, कर लोगे ना, पता कर लोगे कि नहीं, जरा बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बोलो भाई कर लोगे ना, आसान है, कर लेना। चलो जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार है, क्या है क्वेश्चन आपके सामने, कि विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? बताओ, विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं बताओ? विद्युत वाहक बल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ? देखो, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ध्यान से समझना। ये मान लो आपके सामने एक सेल है, इस सेल में, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड है, एक तो इलेक्ट्रोड यह है, दूसरा इलेक्ट्रोड यह है ना, ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड में इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, परिपथ बना हुआ। तो ध्यान देना सभी लोग, देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है, ध्यान से समझना। किसी भी सेल में, किसी भी सेल में, किसी भी सेल में, सेल के पूरे परिपथ में एकांक आवेश, या किसी सेल के पूरे परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या लिखोगे परिभाषा में सभी लोग? किसी सेल के पूरे पूरे परिपथ में, परिपथ में, परिपथ में, है ना, किसी सेल के पूरे परिपथ में, है ना, किसी आवेश, किसी आवेश, आवेश, किसी आवेश मतलब यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। मान लो इस पूरे सेल के परिपथ में हम एक क्यू आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, किसी आवेश क्यू को प्रवाहित, प्रवाहित करने में, प्रवाहित करने में, है ना, किया गया कार्य, किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, वो क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जो विद्युत वाहक बल होता है इसे जो है हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं,
इसे ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ई से क्या करते हैं दोस्त, प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। किसी सेल के पूरे परिपथ में क्यू आवेश, क्या क्यू आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। ध्यान देना सभी लोग, आगे ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला इसको लिख लेते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग। विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, W अपान क्यू होता है, ये फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू। ठीक है ना। अच्छा, विद्युत वाहक बल ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होता है बताओ, ई का मात्रक क्या होता है बोलो, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखना सभी लोग, जो आपका विभव का मात्रक होता है वही वोल्ट का, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होता है। साथ में एक होता है क्या, यहाँ से जूल, यहाँ से कूलाम, है ना। देखो, जूल यहाँ से निकलेगा और यहाँ से कूलाम निकलेगा, है ना। तो एक मात्रक यहाँ पर जूल प्रति कूलाम भी होता है, जूल प्रति कूलाम भी एक मात्रक होता है ना, ये दो मात्रक होता है। ठीक है, किसका, इस विद्युत वाहक बल का। यहाँ पर आप देखोगे तो दो मात्रक होता है, एक तो आपका वोल्ट होता है, दूसरा जूल प्रति कूलाम होता है। अच्छा, ई का विमा क्या होता है, इसको निकालो। विद्युत वाहक बल ई का विमा क्या होता है, जरा इसको एक बार निकालो सभी लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वही विमा होगा जो कि इसका विद्युत विभव का विमा होता है ना, वही बीमा होगा जो कि विद्युत विभव का बीमा होता होगा, है ना। नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। लो, इज इक्वल टू आपने फार्मूला क्या पढ़ा, W अपान क्यू पढ़ा। देखो, E का बीमा चाहिए तो W का बीमा लिखना पड़ेगा ऊपर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना, ये W का बीमा हो जाएगा। ठीक है, अपान क्यू का बीमा क्या होगा, यहाँ पे ए टी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा जी, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम ए ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर रहेगा, टी ये ऊपर गया तो माइनस थ्री, है ना, ए इनवर्स हो जाएगा। ये आपका इसका बीमा हो जाएगा, विद्युत वाहक बल ई का बीमा हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसका हो जाएगा, ई का बीमा हो जाएगा। ठीक है, ये ई का बीमा हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना समय हुआ अभी तक, 17 मिनट हो गया। चलो ठीक है, अब हम करते हैं। देखो, दो क्वेश्चन तो और थे, लेकिन इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कैरी डाउन करते हैं। क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन में कैरी डाउन करना है, क्योंकि मेरे से कुछ बच्चे कर रहे थे सर 20 मिनट के ऊपर नहीं करना है, तो मैं ये दो क्वेश्चन आपको नहीं करते हैं। जिसको करना है तो खुद से कर लेना, मैं नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लूंगा ये दो क्वेश्चन को, है ना। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। क्या, एक तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है किसी समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। क्या, मैं इसके नेक्स्ट क्लास में इसको कैरी डाउन करूंगा कैप्सूल क्लास के, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे सर 20 मिनट के ऊपर ना करें, वैसे तो मैं 30-34 मिनट का भी कर दे रहा था, लेकिन क्या ही करेंगे। तो आप टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े हो, बस क्या कर रहे हैं हम लोग, इनका एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी अब देख लो, ये होमवर्क है आपका, इसको कमेंट बॉक्स में करना है, प्रेजेंट वाले अटेंडेंस के साथ में ये आपको करना है। साथ में आपके लिए हाँ, ये वाला भी होमवर्क है, ये तो होमवर्क ही है। ये होमवर्क इसलिए है प्यारे बच्चे, है ना, ये इसलिए होमवर्क है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में, इसमें क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। इस व्यंजक प्राप्त करना है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक क्या होता है, C इक्वल टू अपसालन नाट ए अपान डी होता है, तो इसी का निगमन करना है, प्राप्त करना है। चैप्टर टू
चैप्टर टू के महत्वपूर्ण डेरिवेशन में मैंने इसको करवाया है, जाके आप देख सकते हो। चैप्टर टू के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इसको करवा रखा है, जाके आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, है ना। देखकर इसको आज के दिन में तैयार कर लेना। ये 5 नंबर में पूछा जाता है और हम यही काम कर भी रहे हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे करा रहे हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम आपको एक एक रोज दे रहे हैं खुद से तैयार करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास तो ले लिया है। अगर हम होमवर्क दे रहे हैं तो इसको करना ही करना है। कैप्सूल क्लास का होमवर्क नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि डॉक्टर जब कोई कहता है कि हाँ भाई दवा खा रहे हो, पानी मत पिया करो या चाय मत पियो या दूध ना पियो, तो फिर नहीं पीते हो, है ना। तो वही बात है, इसको आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। चलो ये होमवर्क हो गया आपके लिए खुद से करने का, ये हो गया आपका क्लासरूम वाला होमवर्क जिसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, इस होमवर्क को करके आप मुझे भेज सकते हो। कहाँ पे भेजोगे आप? या तो 930 577 1375 वाले नंबर पर टेलीग्राम कर लो, ठीक है, टेलीग्राम कर लो। इस नंबर पर टेलीग्राम भरने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास होता है। अच्छा, इस पर व्हाट्सएप मत कर देना, व्हाट्सएप मेरे पास होता नहीं है, ठीक है, टेलीग्राम ही करना। होमवर्क करके कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी है ALPHA INSTITUTE, है ना, ये लास्ट में देखो @ ये है, लास्ट में ये डैश है अल्फा इंस्टीट्यूट, ये लास्ट में ऐसे डैश है। इस पर आप इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो, मैं देख लूँगा आप लोगों का, वैसे देखता भी हूँ, जो थोड़ी मोड़ी गलतियाँ करते हैं उसको बता भी देता हूँ, लाइव राइटिंग सही करो, सही तरीके से लिखो, खींच के लिखो, स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती। और जो भी बच्चे अभी तक बैच को शुरुआत नहीं किए हैं, बिना देर किए बैच की शुरुआत कर दो, वरना फिर लेट हो जाने के बाद इसमें भी सिलेबस आगे निकल जाएगा, फिर दिक्कत होगी, चूँकि इसमें 2-2 घंटे पढ़ाया जाएगा, चूँकि इसका सिलेबस अक्टूबर तक कम्प्लीट करना मुझे, ताकि उसके बाद प्रॉपर रिविजन करने का समय मिले आपको नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती।